अभी जो मैं एक ऐप के बारे में बताऊंगा, वो ऐप जरूर आपका फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए। क्यों इंस्टॉल होना चाहिए वो मैं बाद में बता रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सॉल्यूशन मास्टर गबलू, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, फ़ोन हमारे पास से कभी चोरी हो जाता है, हम ढूंढते कैसे हैं, आईपी नंबर थाना में जीडी कर देते हैं, लेकिन वो फ़ोन पुलिस वाला ट्रैक करता है कौन चोरी किया है। कभी कभी तो मिलता भी नहीं है, पुलिस वाला भी ढूंढ नहीं पाता है। लेकिन अभी मैं जो एक ऐप के बारे में बताऊंगा, ये ऐप यूज़ करके आप तुरंत पता लगा सकते हो वो चोर कौन है, उसका फोटो आपके पास आ जाएगा। सही सुना, फोटो आपके पास आ जाएगा और साथ में लोकेशन भी आ जाएगा, कौन सा लोकेशन में बंदा खड़ा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्रुक केचर नाम का ये ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि ये ऐप डाउनलोड होने के बाद ही हमको पता चलेगा ये ऐप का थ्रू चोरी कौन कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा वो आपको मैं अंदर में बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और पूरा फंक्शन आप ऑन नहीं करोगे तो आपको पूरा इस ऐप का जो पूरा डिटेल्स है वो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों इसको 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और इसका रेटिंग भी बहुत अच्छा है, 4.1 है। 4 MB का ये ऐप है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा जगह भी नहीं खाएगा। चलिए हमारा इंस्टॉल हो चुका है ऐप, तो अभी हमको करना क्या है, इसी ऐप का अंदर जाना है। तो हम इसी ऐप के अंदर में जाएंगे, वेलकम टू क्रुक केचर। तो अभी हमको करना क्या है, जैसे ही आपका ये ऐप ओपन करोगे फर्स्ट टाइम, तो आपको यहाँ पे एक एरो दिखाई देगा, इस एरो में आपको टच करना है। जैसे ही आप टच करोगे तो यहाँ पे एक्टिव करने के लिए बोलेगा, तो आपको एक्टिव नाउ में टच करना है। एक्टिव नाउ में टच करने के बाद आपको यहाँ पे के लिए एक्टिव दिस डिवाइस एडमिन ऐप में टच करना है, इसलिए हम यहाँ पे टच करेंगे। जैसे यहाँ पे टच करेंगे तो देखिए ये एक्टिव हो गया है। तो एक्टिव जब हो गया तो हम यहाँ पे नीचे में जाके नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ऐसे इंटरफेस आया है, यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना फ़ोन में कितना बार रॉन्ग पासवर्ड मारने के बाद इसका एक्सेस स्टार्ट करना चाहते हो। आप उसका मैं यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 है, आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन है, जो एक बार गलती करने के बाद ही तुरंत एक्शन ले लेगा, 3 बार 4 बार आपको जो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ये आप एक बार भी करके रख सकते हो, क्योंकि आप तो हमेशा ही सही पासवर्ड ही दबाओगे, क्योंकि गलत तो कभी दबाओगे नहीं। इसलिए मैं बोलूँगा यहाँ पे हमेशा एक करके रखना, क्योंकि गलती से भी आपका फ़ोन, हमेशा तो फ़ोन चोरी होता नहीं है, कभी कभी क्या होता है आप फोन रख के कहीं जाते हो, आपका दोस्त लोग आपका फोन खोल के देख लेता है, तब आपको पता नहीं चलता है। बा घर में कभी फोन है रख के गया हो, दूसरा कोई आपका फोन में हाथ देता है, उसी टाइम आपको पता नहीं चलता जी मेरा फोन में कौन हाथ दे रहा है। तो आप अपना पासवर्ड एक में रखोगे तो 2 बार वो पक्का कोशिश करेगा, कोई भी हो आपका फोन में, फर्स्ट टाइम नहीं होगा तो सेकेंड टाइम कोशिश करेगा। जैसे ही वो सेकेंड टाइम कोशिश करेगा, उसका फोटो जो हमारा कैमरा है फ्रंट कैमरा से कैप्चर हो जाएगा। और जो चोर है वो भी फोन चोरी करके सबसे पहले आपका पैटर्न लॉक रहने से पैटर्न लॉक मारने का कोशिश करेगा, नहीं तो पासवर्ड मारने का कोशिश करेगा। जैसे ही पासवर्ड डालेगा एक के बाद, जैसे ही गलती करेगा, वो जो चोर चोरी किया है वो आपका फोन, ऐसे भी हो सकता है आपका फोन कहीं गिर गया, कोई किसी ने उठाया तो आपका फोन में भी वो फोटो, क्योंकि फेस रहने से आपको चोर को ढूंढने में बहुत आसानी रहेगा। तो उसीलिए मैं बोलूँगा इसको एक करके रखने के लिए। एक जैसे ही हो गया ना, इसके बाद आपको नीचे में चला आना है, यहाँ पे नेक्स्ट बटन में टच करना है। नेक्स्ट में टच करने के बाद आपको लोकेशन के लिए पूछ रहे हैं, हमारा ऑन हो गया। लोकेशन ऑन हो करने के बाद हमको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद एक्टिव करने के लिए बोल रहे हैं, आपका मेल के साथ जो अलर्ट एक्टिव मैसेज है वो आपका मेल में जाएगा, उसीलिए एक्टिव करना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्टिव नाउ में टच करना, फिर हमको इधर टच करना है, फिर हमको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद ऐसे आपको कौन सा मेल में भेजना चाहते हो वो मेल आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके ओके दबाना है। ओके दबाते ही फिर एक्टिव होगा, उसके लिए ज़रा प्रोसेसिंग टाइम लेगा। वो अभी ऐप जो है हमारा अंदर ही अंदर प्रोसेस कर रहा है, वो ऐप का थ्रू लोकेशन पूरा सेटिंग कर रहे हैं हमने जो ओके दिया हो, और मेरा इतना स्लो हो रहा है, आपका इंटरनेट स्पीड और भी अच्छा रहेगा तो हो जाएगा। देखिए
ये ईमेल के साथ कनेक्ट हो गया है, तो आप क्यों उसको अलाउ करना चाहते हो पूछ रहे, तो आपको क्या करना है अलाउ में टच करना है। अलाउ में टच करते ही आपको देखिए जीमेल आपको यहाँ पे ले लिया है, तो अभी क्या करना है आपको नेक्स्ट में टच करना है। नेक्स्ट में टच करके आपको कैमरा का ऑन कर देना है। कैमरा ऑन करते ही आपको स्टोरेज भी ऑन करना है, क्योंकि जो फोटो लेगा वो फोटो तो स्टोरेज में ही लोड होगा ना, तो इसीलिए फोटो भी आपको अलाउ में टच करना है। देखिए हो गया, तो ट्राई नाउ आप कर सकते हो, तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लॉक में जाऊँगा, जो मेरा पासवर्ड है मैं गलत दबाऊँगा, एक बार दबाया, दो बार दबाया, बस दो बार दबाया, अभी मैं मेरा ईमेल में चला जाऊंगा, देखते हैं मेल भेजा है कि नहीं। देखिए ये फोटो मेरा आ चुका है, आपका मेल में चला जाएगा, और मेल में आपको पूरा फोटो डिटेल्स कहाँ के है वो पूरा दिखाएगा। वो चोर जो है वो इसी ऐप को अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकता है। अभी इस ऐप को मैं अनइंस्टॉल का कोशिश करूँगा तो अनइंस्टॉल भी नहीं होगा ये ऐप। ठीक है दोस्तों, ये ऐप ऐसा ऐप है जिसको आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। देखो मैं ऐसे पकड़ के अनइंस्टॉल करने का कोशिश करूँगा, तो अनइंस्टॉल करने जा रहा हूँ, अनइंस्टॉल में ओके करूँगा। ओके करने से क्या है, ये अनइंस्टॉल होगा नहीं, क्योंकि ये इंस्टॉल नॉर्मल अनइंस्टॉल होता नहीं है। एक बार आप इंस्टॉल कर दोगे तो आपका जो मतलब लॉक खोल के कोई अनइंस्टॉल करेगा, इसको अनइंस्टॉल भी नहीं होगा। इसके करने के लिए क्या है, आपको चला जाना है सेटिंग, सेटिंग में जाके आपको सिक्योरिटी सेटिंग में जाना है। तो आपके फ़ोन में सिक्योरिटी सेटिंग का दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है, तो मेरा सिक्योरिटी सेटिंग है डायरेक्ट, तो इसलिए मैं सिक्योरिटी सेटिंग में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अदर सिक्योरिटी में जाना है। अदर सिक्योरिटी ऑप्शन आपका नहीं आएगा तो डिवाइस एडमिन ऐप में आपको जाना है। मेरा यहाँ पे डिवाइस एडमिन ऐप देखता हूँ कहाँ पे है, देखिए इधर है डिवाइस एडमिन ऐप, तो मेरे को डिवाइस एडमिन ऐप में टच करना है। देखिए मेरा यहाँ पे क्रूक केचर ऐप यहाँ पे एक्टिव है, इसको मेरे को बंद करना है, डीएक्टिवेट करना है। तो हम यहाँ पे डीएक्टिवेट दी ऐप को टच करेंगे। जैसे ही मैं डीएक्टिवेट द ऐप को टच किया तो देखिए ये अभी यहाँ से बंद हो गया। तो चलिए हम फिर ऐप में चलते हैं। देखिए अभी ऐप को मैं अनइंस्टॉल करूँगा तो अनइंस्टॉल हो गया, देखा ना। तो इसके मतलब आपके ये ऐप बहुत ही काम आने वाला है। ये ऐप आपका फ़ोन में रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा सभी फ़ोन में ये ऐप है इंस्टॉल, आप लोग भी सभी फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल रखो, आपका फ़ोन चोरी हो जाने से भी ढूंढने में आसानी रहेगा, क्योंकि आप पुलिस को भी दिखा सकते हो जी ये बंदा हमारा फ़ोन चोरी किया है। तो दोस्तों मेरा चैनल कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सोच रहा था इसका चैनल सब्सक्राइब करूँ कि नहीं, तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्निकल रिलेटेड भी इसी चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।